आजकल जो महंगाई है महंगाई से आपने क्या असर पड़ा यार आपको क्या बताएं यार मजदूर आपका शुक्रिया थैंक यू वेरी मच करके uh, बस बगैर टाइम जाए किए मैं खान साहब की तरफ जाऊंगा खान साहब ओवर टू यू थैंक यू वेरी मच अच्छा जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मैं सबसे पहले शौकत तरीन आपको और आपकी टीम को मुजम्मल आपको भी सबको मुबारक देता हूं कि ये बड़ा टाइमली और पर्टनेंट सेमिनार आपने किया इस वक्त सारी कौम को अब एक खौफ आ रहा है कि पाकिस्तान किधर जा रहा है साढ़े सात लाख पाकिस्तानी और जिनमें टॉप प्रोफेशनल्स थे वो सिर्फ पिछले सात महीने में मुल्क छोड़ के चले गए और हमारे मुझे जबल अली से मैसेज uh, आई कि जो सात महीने में जबल अली में पाकिस्तानियों ने इन्वेस्ट किया है इंडस्ट्रियल स्टेट में वो पिछले दस साल में नहीं किया तो एक uh, उम्मीद जा रही है पाकिस्तान से क्योंकि जो ये सात आठ महीने में हुआ है पाकिस्तान में इसकी मैं मेरी तो जितनी जिंदगी है मैंने तो इसकी कोई मिसाल नहीं देखी और वो क्या हुआ इस मुल्क में क्यों ये उम्मीद चली गई कि एक तीस साल से इस मुल्क के ऊपर दो खानदानों के कब्जा हुआ हुआ था और उन्होंने अपने आप को साबित किया इंटरनेशनली भी और नेशनली भी कि वो कितने करप्ट हैं इन्होंने जो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट सारी पब्लिक को तैयार किया बीस साल पच्चीस साल कहते रहे कि वो कहता वो चोर है वो वो चोर है केसेस एक दूसरे के ऊपर बनाए और उसके बाद इनको रिजेक्ट किया हुआ ने मुझे तो इनके अगेंस्ट वोट पड़ी इन दोनों पार्टीज के अगेंस्ट तो इनको जब फिर मुसलत किया गया मेरे ख्याल में यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है मेरी जिंदगी में मैंने कभी इस तरह का यह जो आज मायूसी आप देख रहे हैं यह इसकी वजह से है और यह क्योंकि एक इकॉनॉमी एक एक का सेमिनार है मैं पहले यह कहना चाहता हूं कि इकॉनॉमी जो है वह पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है कोई दुनिया के अंदर इकॉनमी आइसोलेशन में नहीं चलती उसकी अगर आप पूरा पीछे बैकग्राउंड नहीं समझते तो आप यह नहीं कह सकते कि आज हालात यह इकॉनमी के क्यों बिगड़ गए क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि किस बैकग्राउंड के अंदर यह सब कुछ हो रहा है और इसका बहुत बड़ा फेर कि आगे अगर हमने जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा जब तक इसका सही एनालिसिस नहीं होता आप इसका सही माने के अंदर सोल्यूशन नहीं निकाल सकते कि आगे मुल्क ने अब इस दल दल में से कैसे निकलना तो सबसे पहले तो ये जो मायूसी आज पाकिस्तान में इस मायूसी की वजह ये कि वो लोग जो अपने आप को डिस्क्रेडिट कर बैठे थे इंटरनेशनली इनकी करप्शन के चर्चे थे इनके इन पार्टीज एक चीज दुनिया रेकग्नाइज इनकी नहीं किए इनके दौर में एक चीज इनकी रेकगनाइज नहीं हुई इनके 20-25-30 सालों में सिर्फ एक ही चीज होती थी कि इनकी करप्शन के बाहर अखबारों के अंदर उनके मीडिया पे डॉक्यूमेंट्रीज बनी प्रिंसेस एंड द प्ले बॉय और पता नहीं इल्फ़र्ड टू आ, 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 पाकिस्तान वो जो करप्शन की मलिन हुदायबा पेपर मिल की थी ये सारे क्यों आज ओवरसीज पाकिस्तानी सारे हमारे साथ खड़े हैं क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानीज वहां बाहर बैठ के उनको एक बेहतर पिक्चर नजर आ रही है कि इन्होंने कितना पाकिस्तान का नाम बदनाम किया बाहर क्यों वो इनके इतने अगेंस्ट हैं क्यों कभी इतने ऐसे डेमोस्ट्रेशन हुए नहीं पाकिस्तान की तारीख में जब हमारी गवर्नमेंट गिराई गई नौ अप्रैल को तो जो बाहर पाकिस्तानियों का रिस्पांस था यह अनप्रेसिडेंटेड है अंदर भी अनप्रेसिडेंटेड था बाहर भी अनप्रेसिडेंटेड था क्योंकि लोगों के अंदर एक, एक खौफ भी आया कि इनको वापस ले आए और दूसरा एक लोगों ने अपना बताया कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं इनको तो हमारी जो पॉपुलैरिटी थी आ, कभी इस पीक पे नहीं पहुंची सिर्फ इसलिए पहुंची कि जब इन तीन स्टूजेस की शक्लें देखी लोगों ने तो जो हमारे खिलाफ भी थे वो साथ आ गए और हमारी ये जो अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलैरिटी है जिसकी वजह से ये सारे इलेक्शन जब नाम सुनते हैं तो कांपेट टांगनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि ये खौफजदा हैं इनको पता है कि पब्लिक किधर खड़ी हो गई है तो सारा जो स्टेटस को का सेटअप है वो सारा मिलकर एक चीज पर मुतफक है कि इलेक्शन नहीं करवाने और बदकिस्मती से उनके इलेक्शन ही एक सोल्यूशन uh, है जो जो अगर हमने इसमें से निकलना है यानी अगर पहला कदम अगर हमने इससे निकलना है ये जो कॉक मायर के अंदर जो सारे स्पीकर्स ने बताया कि हम फंसते जा रहे हैं और जो आगे दो सिनारियोज बताए कि या आई में और उसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं आए आई एम एफ पे जाना पड़ेगा तो उनकी कंडीशनैलिटीज उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस मुल्क में गुरबत में और दूसरी चीज कि अगर नहीं जाते तो फिर उससे भी बुरा हालात है तो ये जो इन्होंने हमें यहां ला के खड़ा कर दिया है ये आप समझ जाए अनफॉर्चुनेटली इनको भी इस इनको ये जिस मर्जी तरफ से कान पकड़े सोल्यूशन एक ही इलेक्शन और वो ये चाहते हैं, नहीं है क्योंकि डरते हैं तो यहां फंसा हुआ कैश कैच ट्वेंटी टू पाकिस्तान का तो मैं अब ब्रीफली तो क्योंकि सारी कौम तो सुनना चाहती है कि आगे करना क्या है कौन निकालेगा इसमें से मैं उसके ऊपर आऊंगा लेकिन मैं जरूर यह कहना चाहता हूं क्योंकि सारी मेरी कौम को इस चीज की समझ आनी चाहिए और आप सब जितने बैठे हुए हैं कि देखें जो इस मुल्क से किया गया नौ अप्रैल को और जिस तरह किया गया और जिस तरह की साजिश की गई एक वो गवर्नमेंट जो पहली दफा आई थी पाकिस्तान की तारीख में फेडरल गवर्नमेंट में वो गवर्नमेंट जब आई थी और सबको पता है आपने क्योंकि शौकत आप आप सबने बता दिया कि एक बैंकअप गवर्नमेंट मिली थी पाकिस्तान की सबसे बड़ा मसला हमारा क्या है करंट अकाउंट डेफिसिट डॉलर्स कम है तो वो तो एक यानी आप अब मैं क्या कहूँ कि शॉर्ट साइटेड गवर्नमेंट्स मुसलसल आती गई ये दो खानदानों का कोई ज्यादा लंबा विजन थी नहीं जो पैसे बनाने आते थे और पैसे बचाने आते थे उन्होंने तो कभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की नहीं तो जो मुल्क अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएगा अपनी डॉलर इनकम को नहीं बढ़ाएगा वो कैसे कह सकता है कि मैं एशियन टाइगर बन जाऊंगा मैंने ऐसे भी स्लोगन सुने हैं लाहौर को पैरिस बना देंगे तो सिंपल चीज यह कि अगर आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही और खर्चे आपके बढ़ते जा रहे हैं यानी इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं तो आप कैसे एक मुल्क सॉल्वेंट रहेगा हर शोर में जाते आई के पास जा रहे हैं हम हमने खुद माजी में शोर में जाया आई के पास क्योंकि सॉवरेंटी का इशू आ जाता है जब आप आई के पास जाते हैं तो आप अपने फैसले नहीं कर सकते और ये एक, एक बड़ा ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है मुल्क को कि आप फैसले नहीं कर सकते वो आपको हुक्म देते हैं वहां उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठ जाते हैं वो कहते हैं आपने ये करना है वो करना है और वो आप, आप डरते हैं कि वो करेंगे तो गुरबत बढ़ेगी तो वो जो लॉस ऑफ सॉवरेंटी है सिर्फ इसलिए कि आपने अपने आप मुल्क को मैनेज नहीं किया सही तरह और वो अभी एक हुकूमत की नहीं ये एक मुसलसल तीस चालीस साल हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमने अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो देनी है और जब हमारी गवर्नमेंट आई और हम तो पहली दफा आए थे तो मैंने रियलाइज किया कि जो हमारा सारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बन चुका है उसको यही नहीं समझ कि पाकिस्तान की प्रायोरिटीज क्या है यानी सारे गवर्नमेंट को तो यह समझना चाहिए ना कि जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेगी पाकिस्तान अपने पैर पर नहीं खड़ा हो सकता लेकिन मैंने रियलाइज किया कि जब मैंने एक्सपोर्टर से मिलना शुरू किया तो वो एक्सपोर्टर से जब बताना शुरू किया क्या क्या रुकावटें हैं उनके रास्ते में तो मैंने शुरू में रियलाइज किया कि ये तो कॉमन सेंस है कि हमें एक्सपोर्टर्स की तो जिंदगी आसान करनी चाहिए क्योंकि अगर वो एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा बजाय ऐसे माफी करके एम आई एम एफ के पास पहुंच जाए हम हम अपने एक्सपोर्ट्स को तवज्जो दें और दूसरा जो हमारी रिसोर्स है ओवरसीज पाकिस्तानीज उनकी जो रिमिटेंस है उनको बैंकिंग चैनल्स के थ्रू चैनल करें ताकि वो भी हमारे पास डॉलर की इनकम में इजाफा हो तो मैंने दोनों जगह देखा उनके लिए भी आसानियां नहीं कोई पैदा करने के लिए तैयार था जो रिमिटेंसेज थी ना ही हम अपने एक्सपोर्टर्स के लिए कोई मदद कर रहे थे और फिर जो फ्यूचर है टेक्नोलॉजी का मैंने जब आई सेक्टर को देखा तो वहां भी उस सारा आई सेक्टर से जब बात की हर जगह रुकावटें थी उनके रास्ते में यानी उनको हम इंकरेज कर रहे थे जो आईटी की आ, आ, फर्म्स थी कि अपना पैसा बाहर रखे मुल्क से अपने डॉलर्स बाहर रखे हालांकि बड़ा आसान था उनके लिए इंसेंटिवाइज करना कि वो अपना डॉलर पाकिस्तान में लेके आए लेकिन वो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है एफबीआर का जो हम शुरू में आए एफ गवर्नमेंट का वो इसके लिए ओब्लिवियस था उसको समझ ही नहीं थी कि क्यों यानी एक मुल्क बैंक्राफ्ट है हमारे पास डॉलर्स नहीं है लेकिन जो डॉलर जिन्होंने इनकम प्रोड्यूस करनी है उनके लिए कोई इंसेंटिवज ही नहीं थे और बल्कि रुकावटें थी और फिर हर जगह पर जाके रेड टेप थी हर जगह जाके वो फंस जाते थे तो सबसे बड़ी बात यह कि इससे कभी किसी ने प्रायोरिटाइज किया ही नहीं नून लीग जो कहते हैं हम बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान छोड़ के गए हैं एक तो पाकिस्तान की तारीख का आपने मेंशन क्यों सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए जबकि तेल की कीमतें आप उठा के देखें इनके दौर में इनको तो बनांजा मिल गया था हमारे दौर में तेल की कीमतें देखें तो इनको तो तेल बड़ा कम कीमत पर मिल रहा था उसके बावजूद सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ गए मेन हमें तो प्रॉब्लम आया जो हमारे दौर में वो जब कमोडिटी सुपर साइकिल आया और तेल की कीमतें ऊपर गई तो हमारा तो करंट अकाउंट उधर इफेक्ट हुआ ऊपर से हमें कोरोना का पड़ गया हमें कोविड तीन अरब डॉलर की कोविड वैक्सीन खरीदनी पड़ी ये अनयूजल कॉस्ट है तो हमें तो वो इफेक्ट हुआ तो इनको क्या प्रॉब्लम था तो इन्होंने सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट एक्सपोर्ट्स बढ़ी नहीं इनके पांच साल के अंदर तो ये इकॉनमी कैसे ठीक करके चले गए आप करंट अकाउंट भी सबसे बड़ा छोड़ जाए एक्सपोर्ट्स बढ़ाए ना तो वो कैसे गवर्नमेंट कह सकती है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है सो so, वो हमें मुल्क मिला और मैं सिर्फ ये रिपीट करना चाहता हूं क्योंकि बार बार हमें कहा गया कि जनाब आप फेल हो गए हैं इस तरह का मीडिया प्रॉपरगेंडा हमने फेस किया मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इतना प्रेशर मीडिया ने हमारे ऊपर डाला एक तरह आज कह रहे हैं ना ने जी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा जी कि इकॉनमी में और हमें सारों को कंसेंसस डेवलप करना चाहिए और उन्होंने बाद में बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि डॉलर्स मुल्क से बाहर जा रहे हैं वो रोकने चाहिए मैंने ये भी बड़ी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में सुना तो डॉलर सबसे ज्यादा कौन बाहर भेजता है ये सरे महल जो था ये किधर कौन से डॉलर से बना था ये जो चार मेफेयर के फ्लैट्स हैं ये कौन से उधर से किधर से जनरेट हुए थे डॉलर वो यहीं से पैसा बाहर गया था वो जो 60 मिलियन डॉलर पड़ा हुआ था असर जरदारी का स्विट्जरलैंड में जो वापस आना था वो किधर से डॉलर गए थे वो सारी चोरी होकर यहां से गए थे तो ये आज बिलों को बिठा दिया दूध की हिफाजत करने के लिए और वो हमें बता रहे हैं कि कैसे आपने रोकना है जनाब डॉलर मुल्क से बाहर जाने के लिए सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर्स तो ये हैं उदयबा पेपर मिल क्या थी मनी लॉन्ड्रिंग थी तो सारे जो मनी लॉन्ड्रर्स हैं वो हमें दर्ज दे रहे हैं आज के जी डॉलर्स रोकना है मुल्क से बाहर जाने के लिए तो मैं आ, अपनी सिर्फ परफॉर्मेंस बताना चाहता हूं कि ये जो आज बातें हमें कर रहे हैं कि जनाब मुल्क बड़ा तबाह हो गया और कोई बारूदी बरू, सुरंगें थी तो मैं सिर्फ क्योंकि आपने ये सुने भी होंगे स्टेटिस्टिकली मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं कि जो हमें पाकिस्तान मिला था सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट इकॉनमी हमारे बुरे हालात में थी पहली दफा हम गवर्नमेंट में आए मैं यह भी कह दूं कि हमारा पहली दफा जब हम गवर्नमेंट में आए हमारा अमेरिका की तरह कोई सिस्टम ऐसा नहीं था कि दो महीने अब जब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जब आई तो सवा दो महीने इनको हर डिपार्टमेंट ने ब्रीफिंग दी कि हमारे हालात क्या हैं एक एक डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग मिली इनको सो इनकी पूरी तैयारी करके लेके आए हमारा यहां सिस्टम ही कोई नहीं था हमारे तो तीन दिन पहले पता चला कि जरा अब हमारी मेजॉरिटी पूरी होगी और गवर्नमेंट बन, बन रही है उसके बाद जब गवर्नमेंट में आए तो पहली दफा प्रेजेंटेशन मुझे मिली कि गवर्नमेंट की सूरत हाल क्या थी तो एक नई पार्टी भी आई पहली दफा गवर्नमेंट में पहली दफा हमने ये पता चला कि हालात क्या है तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि उसके बावजूद और मुझे बड़ा फखर है कि मीडिया प्रोपगेंडा ऐसा था हमारे खिलाफ कि जी तबाह हो गया मुल्क और ये हो गया वो हो गया तो हम हम, हम आप यकीन करें कि जब हमारी कैबिनेट के अंदर ये फिगर्स प्रेजेंट की गई कि हमारी 5.7 और 6 परसेंट ग्रोथ रेट थी आखिरी दो साल जो पाकिस्तान की तारीख में अगर आप डिक्टेटर्स को निकाल दें और अमेरिकन डॉलर्स को निकाल दें जो सीटो सेंटो में खान के पास आए जियाल हाक के जमाने में अफगान जहाद पर आए जब उन्होंने कहा जी पीनट्स हैं तो उन्होंने और डॉलर्स मंगवाए और फिर अपने अस्सी हजार लोग मरवा लिए वॉर ऑन टेरर में और वो डॉलर्स आए इसको आप निकाल दें तो ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है और जब ये हमारी कैबिनेट के अंदर यह परफॉर्मेंस बताई गई तो मैं आप सबको बताऊं कि हमारी कैबिनेट वाले नहीं मान रहे थे इतना बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा था हम पहले जी कन्विंस हुए हुए थे कि जी हम मुल्क तबाह हो गया हम इतने बुरे हैं तो जब पता ये फिगर्स अनाउंस हुई हमारी कैबिनेट में और फिर हमारी कैबिनेट नहीं मान रही थी बाकायदा फिर ब्रेक डाउन दी कि ये सेक्टर में इतनी एग्रीकल्चर में ये ग्रोथ सर्विस सेक्टर तो वो मैं आपके सामने रखता हूं क्योंकि मैं इसलिए समझता हूं कि ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और ये अचीवमेंट इसलिए थी कि आई रिपीट अगेन कि हमारी तो पहली दफा गवर्नमेंट पावर में आई थी अब ये जरा देख लें मैंने आपको बता दिया कि 2021 में 5.7 परसेंट ग्रोथ रेट 74, 21, 22 वन ट्वेंटी टू के टू uh, के अंदर 6 परसेंट ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर 17 सालों के बाद 4.4 परसेंट ग्रोथ रेट चार बंपर ग्रॉप्स दो साल में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 6.2 परसेंट यह भी सत्रह साल में हाईएस्ट ग्रोथ रेट थी एक्सपोर्ट्स हमारी हाईएस्ट थी जो पहली दफा इंसेंटिवाइज किया एक्सपोर्टर्स को और उसका नतीजा आया 32 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट्स हाईएस्ट पाकिस्तान की तारीख का उनको इंसेंटिवाइज किया आपने ओवरसीज पाकिस्तानी को बैंकिंग चैनल से भेजने के लिए इकतीस अरब डॉलर रेमिटेंसेस uh, uh, ये भी रिकॉर्ड था हमारी टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान की तारीखी सबसे ज्यादा थी छह शारिया ए, एक फीसद और मैं ये रिपीट कर दूं कि जो हमने और बड़ा मुश्किल था हमें जो चेंजेस लाए ताकि हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़े ऑटोमेशन के ऊपर जाने के लिए बड़ी रेजिस्टेंस थी लेकिन हम ये सारे बैरियर्स क्रॉस कर गए थे पता नहीं आपको शौकत ने बताए या नहीं हमने चौंतीस मिलियन टैक्स टैक्सपेयर डिस्कवर किए थे या मेरे ख्याल में चालीस मिलियन शौकत क्लियर कर देगा बाद में तो यह हमने नए टैक्सपेयर कैसे डिस्कवर किए थे नादरा के साथ बैठ के हमने फिर अपने वो एनालिसिस किया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हम कैसे उनका रहन सहन किया था वो कोई टैक्स नहीं दे रहे थे तो ये चौंतीस मिलियन नए टैक्स पेड डिस्कवर किए थे और यह आप चालीस मिलियन मैं फिगर भूल गया हूं यानी लिखा हुआ तो हम और फिर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम ये जो बड़ी बड़ी सीमेंट और ये शुगर इंडस्ट्री ये जो, जो सेल्स टैक्स वेड करते हैं उसके लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम ले आए थे ताकि उसमें से इंपॉसिबल हो किसी किस्म की टैक्स वेजन तो हमारा ख्याल था कि यह हमने आठ ट्रिलियन तक लेके जानी थी आठ हजार अरब तक अपनी टैक्स कलेक्शन लेके जानी थी जब इन्होंने गवर्नमेंट कराई और फिर जो सबसे रेलिवेंट चीज है पचपन लाख तीन साल में नए नौकरियां हमने प्रोड्यूस की और और जो हमारा आइडिया था कि इससे हमने बहुत तेजी से और आगे जाना था तो ये याद रखें कि जो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आया कि सत्तर सत्तर डॉलर बैरल से हमारा एक वक्त पे गई एक सौ पंद्रह डॉलर बैरल जो हमें असल प्रेशर पड़ा एंड में जाके लेकिन उसके बावजूद हमने पूरी कोशिश की कि अपनी कीमतें नीचे रखें आप सिर्फ वो ही नहीं गई कमोडिटी सुपर साइकिल में जो जो एडेबल ऑयल था घी था वो 780 टन से 1500 डॉलर टन पे गया 780 डॉलर टन से 1500 यानी दुगना हो गया तकरीबन तो कोयला जो था 80 टन से 280 टन पे चला गया हमारा जो आ, आ, और इसके बावजूद जो हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था वो बारह इशारिया दो पे रखा हमने और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स था वो चौदह फीसद पे हमने रखा मार्च ट्वेंटी टू तक और उसके अलावा हमें ये जो मैंने फिर से वैक्सीन की मैंने बात कर दी अच्छा अब आ जाए अब मेरा जो क्वेश्चन ये है कि जो ये सारी साजिश करके इनको लेके आए ये आपने सुनी लिया होगी फिगर्स क्योंकि मेरे से बहुत बेहतर इकॉनमी समझने वाले स्पीकर्स हैं मेरा तो सारा तजर्बा हुआ ये जो साढ़े तीन सा, तीन साल में मैं गवर्नमेंट में बैठा पहली दफा क्योंकि इतने बड़े क्राइसिस थे इकॉनमी के ऊपर कि मैं मेरा एक फास्ट ट्रैक लर्निंग हुई इकॉनमी के ऊपर और मैं बेसिकली एक चीज समझ गया कि हमारा जो सारी गवर्नमेंट है जो मैंने शुरू में आपको कहा उसका डायरेक्शन ही गलत है यानी होना ही चाहिए कि अगर आपको पता है कि आपका जैसी इकॉनमी बढ़ेगी तो आपने बॉटल नेक आ जाएगा करंट अकाउंट का तो सारी मुल्क को कोशिश करनी चाहिए कि हम हम वो डॉलर की इनकम बढ़ाएं ताकि वो हमारा बॉटल नेक ना आए मैंने उसके लिए दो प्रोजेक्ट शुरू किए एक था हमारा बंडल आइलैंड का कराची और एक था ये रावी सिटी लाहौर रावी सिटी लाहौर का मकसद एक तो यह था कि हम लाहौर को बचाएं रावी बिल्कुल खत्म हो गया एक स्यूरेज गया, तो हमने रावी को भी उस, उसको पहले तो बराज बना के वाटर टेबल ऊपर करनी थी लाहौर की और उसके इर्दिर्द हमने हायर राइजेज बनानी थी हायर राइजेज इसलिए बनानी थी कि हमारा सारा जो एग्रीकल्चर जमीन है वो खत्म होती जा रही है तो वो हम रियलाइज ही नहीं कर रहे कि अगर हमने ये हाउसिंग सोसाइटीज के माफिया के अंदर फंस गया तो ये तो फैलते जाएंगे और सारी हमारी हमें तो फूड सिक्योरिटी के सवेर प्रॉब्लम आने लगे हैं तो रावी सिटी का मतलब यह था एक तो कि रावी को बचाए जब लेक बनाएंगे तो वाटर टेबल ऊपर चली जाएगी लाहौर की वाटर टेबल बिल्कुल गिर गई है और फिर रावी को जो उसको फिर जब उसके सारी आ, हम वो वाटर फिल्ट्रेशन वाटर फिल्ट्रेशन नहीं वो जो हम प्लांट्स लगाए जो कि पानी को साफ करें और वो साफ करके पानी फेंकें रावी के अंदर ताकि सा, साफ पानी इस वक्त स्यूरेज आ रही है तो वो और उसका जो कोशिश हमारी यह थी कि ओवरसीज पाकिस्तान इसकी इन्वेस्टमेंट लेके आए क्योंकि वो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट उनके लिए प्रॉपर्टी है और उसके अलावा हमारे पास चाइनीज की ढाई मिलियन डॉलर की बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट तैयार थी तो ये दोनों एक कराची का जो प्रोजेक्ट था वो स्कटल किया गया वहां दुबई से इन्वेस्टर्स आ रहे थे कराची में वो भी फिर एक नई मॉडर्न सिटी बन रही थी जो हमारा प्लान था उसको स्कटल किया गया एनओसी सिंध गवर्नमेंट ने देकर वापस ले लिया उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी डॉलर इनकम बढ़ जाएगी जब तक वो हमें ब्रीदिंग स्पेस देगा जब तक कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा लेते जब तक हम ये जो इंटरम पीरियड है हमने सोचा था कि ओवरसीज पाकिस्तान इसकी स्पेशली हम इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे और उससे हमारा डॉलर रिजर्व बढ़ जाएंगे और फिर हमने ये भी सोचा था कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमने बनाए थे जिनके अंदर एस, आ, और एक्स, आ, अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को लाने के लिए जिनके लिए स्पेशल जोन्स बनाए थे वो हमने चाइनीज के साथ मिलकर पूरा प्लान किया हुआ था कि वो अपनी इंडस्ट्री को रिलोकेट करेंगे यहां लेकिन बदकिस्मती हमारी क्या हुई हमारी ये हुई कि वो कोविड आ गया और कोविड से क्या हुआ कोविड से चाइना बंद हो गया तो वो जो हमें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल जोन्स में जिससे भी हमारी डॉलर रिजर्व बढ़ रहे थे तो वो बदकिस्मती से वो वहां रुक गए और ये दो एक सिटी जो वो स्कैटल कर दी और लाहौर का बदकिस्मती से यहां स्टे ऑर्डर दस महीने ग्यारह महीने हमारा वो रुक गया तो इसके इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा डॉलर्स हम इनकम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आई अच्छा जी अब ये आ गए और इसकी बहुत मैं जितना भी कहूँ मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि क्या इसके पीछे थिंकिंग थी क्या वजह थी कि गवर्नमेंट जो जिसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी उसको हटाया गया और फिर पूरी एक साजिश के तहत इन चोरों को फिर हमारे ऊपर मसलत कर दिया गया तो वो मैं शुरू में आपको बता चुका लेकिन इन्होंने ये भी इन्होंने किया क्या महंगाई पचास साल में सबसे ज्यादा महंगाई सी पी आई पच्चीस इशारिया पांच फीसद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स तीस फीसद आटा बिजली पेट्रोलियम वो ले लें प्याज लें टमाटर टमाटर लें घी लें दालें लें सौ फीसद से दो सौ फीसद ये इनकी कीमतें बढ़ गई इस वक्त तक पंद्रह लाख टेक्सटाइल मजदूर अपनी नौकरियां खो बैठे हैं और इंडस्ट्री बंद होती जा रही है यह आपके सामने सब रखा होगा और मैं जब आ, मुझे याद है कि मा, पिछले मार्च अप्रैल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले मुझे ये कहते थे कि हमारे पास मजदूर नहीं मिल रहे हमें फैसलाबाद में हमें बाहर से मजदूर मंगवाने पड़ रहे हैं और वही टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज आप देख लें कि पंद्रह पंद्रह Uh, uh, पंद्रह लाख वर्कर्स बेरोजगार हो गए हैं। रिमिटेंसेज ये आपने सुनी लिया होगा एक्सपोर्ट्स और रिमिटेंसेज इनका माइनस आ रहा है uh, दो अरब रुपया महीने की कमी आनी शुरू हो गई है एक्सपोर्ट्स और रिमिटेंसेज में जो हमने बढ़ाई थी और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके सामने है मार्च मार्च के अंदर सोलह इशारिया चार था आज पहुंच गए पांच इशारिया सात पे ये भी आपके सामने आ गया होगा रुपया इस वक्त आ, इंटर बैंक जिस तरह दो सौ छब्बीस है एक, आ, और इनफॉर्मली वो दो सौ साठ पे पहुंच गए और जो आई एम एफ की अब आगे कंडीशन आपने सुनी अभी शौकत का मैं सुन रहा था उन्होंने कहा कि आप इसको फ्री फ्लोट करें इसको रुपए को तो वो अब किधर जाके पड़ता है तो मेरा आखिर मैं देखें मैं सिर्फ समाप आप कर रहा हूं पाकिस्तान ने निकलना है इधर से कैसे है? सबसे पहले इलेक्शंस क्यों इलेक्शंस क्योंकि इलेक्शन से आएगी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं करेगी कोई भी दुनिया में इन्वेस्टर चाहे वो मुल्क के अंदर हो चाहे बाहर हो वो इन्वेस्ट नहीं करता जब वो समझता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट को खतरा हो सकता है और वो खतरा कैसे हो सकता है उसे ये नहीं पता कि पांच महीने छह महीने साल के बाद क्या होगा वो इन्वेस्ट नहीं करेगा सो so इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं आती मुल्क की दौलत में इजाफा नहीं होता नौकरियां नहीं मिलती मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता तो पहले तो ये यह यहां रोक गया आप काम इस वक्त पाकिस्तान जो फेस कर रहा है वो सबसे खौफनाक सिनारियो फेस कर रहा है एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ महंगाई और मजीद और महंगाई यह जो कॉम्बिनेशन है यह बड़ा खतरनाक है इस मुल्क के लिए क्यों खतरनाक है श्रीलंका में इसी तरह का सिनारियो हुआ था श्रीलंका की सिर्फ आबादी सवा दो करोड़ है पाकिस्तान की साढ़े बाईस करोड़ है अगर ये आबादी के अंदर इसी तरह का इंतजार शुरू हो गया जो श्रीलंका में था मैं ये आपको मुझे अफसोस से कहना कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा और शहरों के अंदर खास तौर पे जो जिस तरह आप अगर इस वक्त लोगों से पूछें आप तनख्वाहदार से पूछ लें कि वो गुजारा कैसे कर रहा है तो जब एक मजीद और लहर आएगी महंगाई की इसका खतरा यह है कि यह मुल्क के अंदर इंतजार की तरफ चला जाएगा लिहाजा जिस तरह मर्जी मैंने कहा कान जर मर्जी से पकड़ें रास्ता सबसे पहला जो पहला स्टेप है वो है साफ और शफाफ इलेक्शन जिसकी वजह से पोलिटिकल स्टेबिलिटी आए और उम्मीद यह रखी जाए कि गवर्नमेंट एक मैंडेट से आए और फिर जब वो मैंडेट से आए तो उसके जब पब्लिक उसके पीछे खड़ी हो तो वो फिर मुश्किल फैसले करे मुश्किल फैसले ना इंपोर्टेड हुकूमत कर सकती है जिनके पास मैंडेटी कोई नहीं है जो कि इलेक्शन नहीं ऑक्शन के जरिए आए हों जो कि पैसे खर्च करके चोरी के पैसे से लोगों के जमीरों को खरीदें वो कभी भी गवर्नमेंट के पास वो मॉरल अथॉरिटी नहीं होती जो कि मुश्किल फैसले कर सके लोग इनके इसलिए यह डरते हैं और यह जब आई एम एफ ने इनसे कहना मुश्किल फैसले करो ये इनके लिए आसान नहीं होगा क्योंकि पब्लिक इनके साथ नहीं है तो पब्लिक तो उसके साथ होगी जो कि जब वो ट्रस्ट करेंगे कि जब वो पब्लिक को जो भी लीडरशिप कहेगी कि देखें ये मुश्किल वक्त है ये ये मैं कर रहा हूं और इसके बाद आपके लिए आसानियां पैदा होंगी तब पब्लिक मुश्किल गुजार लेती है लेकिन इनके होते हुए तो उनके पास अब कोई इतमाद ही नहीं है इनके ऊपर क्योंकि ये मजीद गिरता ही गया है और इन्होंने जो जो वादे किए हैं मुझे याद है शहबाज शरीफ की जो स्पीच आने से पहले कि छह महीने में मैं मुल्क को ठीक कर दूंगा फिक्र ना करें मैं वो पंजाब स्पीड जैसी थी वो मैं मुल्क ठीक कर दूंगा एक तो अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूं कि ये जो ये एक एक बड़े अरबों रुपया टैक्स पेयर का खर्च करके अपना इमेज बनाया हुआ था ना कि ये कोई बहुत बड़ा जीनियस है ये तो एक्सपोज हो गया दूसरी चीज वो इसहाक डार वो बड़ा उसके सारे केसेस माफ किए सारी करप्शन के केसेस उसके धोए उसको ड्राई क्लीन किया फिर एनआरओ टू दे के यहां बुलाया तो वो भी सारा सारी दुनिया को पता चल गया कि वो कितने पानी में है इसलिए जैसे ही आपके इलेक्शन और मैंडेट आएगा वो फिर पहला स्टेप होगा उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है इकॉनमी कनेक्टेड है रूल ऑफ लॉ के साथ ये लोगों को गलत फहमी है कि जनाब मुझे जो जनरल बाजवा वो हर चीज के हर फन मौला बन गए थे तो हमें बता रहे हैं कि जनाब देखें आप इकोनॉमी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें ये एहतसाब को भूल जाए ये ये अकाउंटेबिलिटी भूल जाए उनको यही नहीं पता आज तक कि दुनिया का नक्शा उठा के देख लो जिन मुल्कों के अंदर क्लीन गवर्नेंस है रूल ऑफ लॉ है वो खुशहाल है और जिन मुल्कों में यहां एन दिया जाता है बड़े डाकुओं को और बेचारे छोटे चोरों को पकड़ा जाता है वहां सारे मुल्कों में गुरबत है रूल ऑफ लॉ कनेक्टेड है खुशहाली के साथ दुनिया के अंदर जिधर भी खुशहाली आई है पहले रूल ऑफ लॉ आया है यह हो ही नहीं सकता कि मुल्क में डाके मारे जाए जो अलीट हो वो ऊपर बैठ के मुल्क चोरी करे और आप समझे कि मुल्क तरक्की कर जाएगा यह कभी नहीं हुआ और अगर यह होता तो यह दोनों जो खानदान तीस साल इस मुल्क के ऊपर मुसलत रहे हैं तो इन उनको इनको मुल्क को ठीक कर देना चाहिए था इनके दौर में ही तो सारे कर्जे चढ़े हैं तो यह किसी का अगर ख्याल है और यह सेल्फ स्टाइल क्योंकि बदकिस्मती ये कि जब आपके पास इतनी पावर आ जाए जो एक जनरल बाजवा के पास थी तो वो समझता हूं वो हर फन मौला वो हर चीज के एक्सपर्ट बन जाते हैं तो हमें लेक्चर दिए जा रहे थे कि नहीं जी इनको एनआरओ दे दो और आप सिर्फ इकॉनमी पे कंसंट्रेट करो मैं याद उनको करवाया कि चाइना ने साढ़े चार सौ वजीरों को जेलों में डाला है जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है इकॉनमी उसने उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि साढ़े चार सौ वजीरों को पिछले सात आठ साल में जेलों में डालो इसलिए रूल ऑफ लॉ कनेक्टेड है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारी जो सबसे बड़ी रिसोर्स है ओवरसीज पाकिस्तानी है मैं मेरा उनसे सबसे देर तीस साल तक राबता है उन्होंने शौकथाना में मदद की नमल यूनिवर्सिटी में पीटीआई को जिसको फॉरेन फंडिंग कहते हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी मदद करते हैं वो सबसे ज्यादा जज्बा रखते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं आती पाकिस्तान में वो प्लॉट्स खरीद लेते हैं लेकिन इन्वेस्ट नहीं करते इंडस्ट्री में और बिजनेस में क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम पर कॉन्फिडेंस नहीं है और मैं मिडिल टेयर इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स नहीं और अगर हमारे पास एक करोड़ में से मैं कहता हूं पांच लाख पाकिस्तानी भी इन्वेस्ट करना शुरू करें आप इमेजिन करें कि कितनी इनफ्लो आ गई डॉलर्स की हमारे मुल्क में तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट चाहिए उसके लिए रूल ऑफ लॉ चाहिए उसके लिए एक कॉन्फिडेंस चाहिए हमारे मुल्क के इंसाफ के निजाम पे तो ये कनेक्टेड है खुशहाली से आप जो मैं आपने मेरे से बार बार सवाल पूछते जी आपके पास क्या इसका हल है ये जो आप दल, दल में मुल्क फंसा दिया तो हल ये है कि पाकिस्तान को ऐसे चलाना पड़ेगा जो आज तक हमने नहीं चलाया हमें वो स्टेप्स उठाने पड़ेंगे हमने कभी रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश नहीं किया मार्शल लॉ आता है तो वो कानून तोड़ के आता है और ये जो दो खानदान है इनकी मजबूरिया का इदारों को कमजोर करना क्योंकि चोरी नहीं कर सकते अगर आपके इदारे मजबूत हो ये चोरी कैसे करेंगे जो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर था उसको पुलिस ने आके उसके अगेंस्ट करप्शन केस करके उसको उसको चार्ज कर दिया क्योंकि वो उनके इदारे मजबूत हैं और ये ये नहीं कि ये जो यूरोप के और ये अमेरिका के लोग हमारे से ज्यादा ईमानदार हैं वहां के इदारे ऐसे हैं कि कोई चोरी नहीं कर सकता वो इदारों का खौफ है उनको यहां आते साथ ही सबसे पहले तो इदारे खत्म किए हमने इदारों के अंदर मेरिट लेके आए इन्होंने आते साथ ही पहले एफ आई ए खत्म की क्योंकि सुभाष शरीफ के केसेस थे अरबों रुपए के उसको खत्म किया उसके ऊपर आज में और उसका अब सिर्फ काम है पोलिटिकल विक्टमाइजेशन फिर उन्होंने नैब खत्म की उसके टी टी के, के केस थे और इन सारे चोरों के केसेस थे सारों ने अपने केसेज अमेंडमेंट नैब करके खत्म किए और इन्होंने वाइट कॉलर क्राइम पकड़ना नामुमकिन हो गया आज पाकिस्तान में जो नैब अमेंडमेंट्स किए हैं आप पकड़ ही नहीं सकते वाइट कॉलर क्रिमिनल और पब्लिक ऑफिस होल्डर मैं यहां से पैसा चोरी करके अपने खानदान के नाम पर रख दूं एज प्राइम मिनिस्टर मुझे कोई नहीं पकड़ सकता आप वो खा... मैं पूछ ही नहीं सकता कि जी आपके बच्चे किस तरह अरबोपति बन गए हैं क्योंकि इन्होंने अमेंडमेंट पास कर दी है ऊपर से मैं यहां से पैसा चोरी करके बाहर भेजूं और पता भी चल जाए कि मैंने बाहर एक जिस तरह साग डार के पूरे दुबई के अंदर वो टावर्स हैं सौ सौ, -सौ मिलियन डॉलर के पता ही नहीं चल मैं अगर कहूं कि जी वो दुबई से इंफॉर्मेशन आ रही है सौ मिलियन डॉलर के टावर हैं इन्होंने कहा जी बाहर से जो एविडेंस आएगी हाँ वो इनएडमिसबल है सो so, यानी कि आपने लाइसेंस दे दिया बड़े चोरों को तो मैं फिर से कहता हूं रूल ऑफ लॉ सेकेंड स्टेप है इलेक्शन फर्स्ट रूल ऑफ लॉ सेकेंड स्टेप तीसरा ये जो शौकत ने बात की रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी ये जो बड़े बड़े हमारे गवर्नमेंट कॉरपोरेशन हैं इनको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा क्योंकि ये इतना ज्यादा पैसा इस वक्त खा रहे हैं फिर हमारी जो गवर्नेंस सिस्टम है इसको इसको बिल्कुल इसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे क्योंकि ये भी एक जब तक हम अपना गवर्नेंस सिस्टम को मेरिटोक्रेसी ना लेके आए और सारों को डायरेक्ट करें कि नेशनल इंटरेस्ट इस वक्त क्या है और वो है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं फैसिलिटेट करें इन्वेस्टर्स को करें ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें जो हमने बड़ी कोशिश की थी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री वो बैकबोन है उसके लिए इतनी मुश्किलात पैदा की हुई हैं कि वो बेचारी वो वो, वो उठ ही नहीं सकते उनके लिए हमने सारी ये जो गिलोटीन किए थे हमने जो रेगुलेशन खत्म किए थे उनके लिए आसानियां क्या वो करते जा रहे थे जब तक हम स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को नहीं उठाते और वो बैकबोन है इंप्लॉयमेंट के लिए भी और फिर सारी दुनिया के अंदर उधर से वेल्थ क्रिएशन जो करनी है वहां से तो उसके लिए आसानियां पैदा करने के लिए ये वो स्टेप्स है और फिर मैं जो मैं पाकिस्तान का टूरिज्म पोटेंशियल है वो हमने हम बदकिस्मती से वो फिर कोविड आ गया तो सारी दुनिया में टूरिज्म कोलैप्स कर गई टूरिज्म पाकिस्तान का इतना बड़ा पोटेंशियल है और मैंने यहां ऑस्ट्रिया से वो आ, आया आ, एक्सपर्ट है रिजॉर्ट्स का ऑस्ट्रिया में स्कीइंग के वो एक्सपर्ट्स हैं उसने मुझे कहा कि पाकिस्तान दुनिया का, का स्कीइंग कैपिटल बन सकता है क्योंकि हमारे पहाड़ बड़े ऊंचे हैं तो वहां बर्फ बड़ी देर तक रहती है तो उसने मुझे और पूरा प्लान बना रहे थे कैसे स्कीइंग रिजॉर्ट्स तो यहां पाकिस्तान में हमारे पास टूरिज्म के अंदर इतना अनटैप पोटेंशियल है सारा हमारा जो समुंदर है उसके साथ साथ जबरदस्त पोटेंशियल बना हुआ है सो टूरिज्म के ऊपर क्योंकि वहां से डॉलर्स आएंगे बाहर से और मैं बात कर रहा हूं कि मिडल ईस्ट से जो मिडल ईस्ट है वो वो लोग मुसलमान मुल्कों में जाना चाहेंगे टूरिज्म के लिए इस वक्त वो जाते हैं अजरबैजान लेकिन जो पाकिस्तान है उसमें बहुत मिडल ईस्ट के लिए बड़ी अट्रैक्टिव पहाड़ ऐसे हैं जो बड़ा इंटरेस्ट तो हम कर सकते हैं तो टूरिज्म के ऊपर स्पेशल जोन बनाने पड़ेंगे टूरिज्म जोन्स और यहाँ से हम बहुत ज्यादा डॉलर इनकम अपनी बढ़ा सकते हैं लेकिन फिर और ये जो हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जिसके अंदर हम इंडस्ट्री की रीलोकेशन करवा सकते हैं चाइना से सो ये फ्यूचर के मैं आपको प्लान्स बना रहा हूँ लेकिन इस सबसे आखिर में दो चीजें इलेक्शंस और रूल ऑफ लॉ ये दो चीजों के बगैर जिधर आज अल्लाह ने पाकिस्तान को खड़ा कर दिया है इसके बगैर पाकिस्तान को कोई नहीं इस मुश्किल वक्त से निकाल सकता ये जो इनकी अब कोशिश है इनकम हमारी गिरती जा रही है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है वेल्थ क्रिएशन हो नहीं रही कर्जे बढ़ते जा रहे हैं जो सारा पावर सेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट्स से इन्होंने साइन किए हुए हैं वो कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़ रही है पैसा है नहीं बिजली इस्तेमाल करने के लिए पैसा है नहीं कि हम बाहर से जो इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर ये पावर स्टेशन चलाना है वो हम चला नहीं सकते तो एक तरफ लोड शेडिंग हो रही है दूसरी तरफ कैपेसिटी पेमेंट्स दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है इंपोर्टेड फ्यूल के लिए सो so, पाकिस्तान जिधर आज इन्होंने फंसाया हुआ है उसके उसके लिए बड़े बड़े चेंजेस करने पड़ेंगे जिस तरह हमने अपनी गवर्नमेंट चलानी है लेकिन वो शुरू होगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन से और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ इस्टब्लिश करना अब नागजूरी हो चुका है उसके बगैर हम इस मुल्क को अब एक आजाद खुद मुख्तार सॉवरन एक गैरतमंद कौम हम अब नहीं रह सकते हमें अगर यही तरीका है कि जी भाग के जाके पैसे मांगो किसी से कभी किसी से पैसे मांग रहे हैं अपनी इज्जत खो रहे हैं इस तरह पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकता शुक्रिया